नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। चंपाई सोरेन के बाद अब लोबिन हेम्ब्रम ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि जेएमएम अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही। उन्होंने कहा कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासी और मूलवासी का अस्तित्व खतरे में है। सवाल यह है कि क्या जेएमएम में और टूट होगी? चंपाई और लोबिन के बाद अब आगे कौन होगा? चंपाई सोरेन ने कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अब कमल के साथ लोबिन हेम्ब्रम। लोबिन ने थामा बीजेपी का दामन, कहा संथाल को घुसपैठियों से बचाएंगे, संथाल प्रखंड को बचाएंगे, घुसपैठियों से बचाएंगे, वहां का विकास करेंगे। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में और होगी टूट? चंपाई और लोबिन के बाद आगे कौन? चंपाई ने कहा आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए आप लोग आगे भी देखते रहिएगा। आगे भी आपके साथ, आप लोबिन के साथ लोग आने वाले हैं। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए ना, आप लोग देखिए देखते रहिएगा, है ना, क्या क्या हो रहा है। सोरेन परिवार की बड़ी बहू का बड़ा दावा, कहा बीजेपी में आएंगे कई और जेएमएम नेता। चुनाव के आते आते तक और भी कई लोग शामिल होंगे। चंपाई सोरेन के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रहे लोबिन हेम्ब्रम ने भी कमल का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि संथाल की डेमोग्राफी बदल रही है, लव जिहाद के साथ लैंड जिहाद भी हो रहा है जिसे बचाना है। वहीं बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठी के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी साथ आने की अपील की। बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के आदिवासी लड़की से शादी कर रहे हैं, लव जिहाद चल रहा है और उस बहाने जमीन भी हथिया रहे हैं। हमारा लक्ष्य है झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करना और झारखंड को सौतरफा विकास का नया रास्ता में लेकर जाना। समस्या घुसपैठियों का है, समस्या झारखंड का है, तो हम जेएमएम को भी साथ देंगे, आप भी आइए और तुष्टीकरण का राजनीति को छोड़ के झारखंड का लोगों का साथ खड़ा हो जाइए। डेमोग्राफी का जो चेंज हो रहा है इसका परिणाम खाली बीजेपी को भुगतना नहीं है, ये जेएमएम को भी भुगतना है और पूरा झारखंडियों को भुगतना है। हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में लोबिन हेम्ब्रम ने बीजेपी का दामन थामा, जिसके बाद बोरियो से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार दलालों से घिर गई है, जिससे झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन करने वालों में दर्द है। इन लोगों का झारखंड आंदोलन से कोई मतलब नहीं रहा है, झारखंड की लड़ाई से कोई मतलब नहीं रहा है, बल्कि झारखंड वासियों से भी उन लोगों का कोई नहीं, आदिवासियों से मतलब ना, मूल वासियों से मतलब, उन लोगों को सिर्फ मतलब इतना ही रहा कि पैसे की राजनीति करना, दलाली करना। तो ऐसी लोगों से जब सरकार घिर जाती है तो मैं समझता हूं कि जब कितनों भी पुराने लोग होते हैं जिसको झारखंड के प्रति दर्द है, झारखंड वासियों के प्रति दर्द है, तो फिर उनके अंदर भी तड़प होगी और वो तड़प होगी तो फिर झारखंड को कहां से हम बढ़ करके कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, उसकी राह भी लोग तलाशते हैं। बोरियो से चुनाव लड़ेंगे, आराम से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के दिखाएंगे, वहां सीट हम लोगों के हाथ हाथ में आएगा। ये उसके अलावे संथाल में भी हम लोग इस चीज को और तीव्र गति से कैसे आगे बढ़े। वहां पर आपका घुसपैठियों का सवाल है, उससे आदिवासियों का लव जिहाद है, लैंड जिहाद हो गया, ये सारा चीज इस पर तो हम लोग को और लोग साथ देंगे जो अभी सामने दिखाई दे रहा है। सब लोग इस चीज को विश्वास कर रहे हैं कि ये मुद्दा सही है और इसे छुटकारा पाने के लिए हम लोग एकजुट होकर को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने इसे आत्मघाती कदम बताया है। नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और मैं मेरे दोनों मेरे लिए आदरणीय हैं और दोनों के बारे में यही कहना चाहूंगा कि इस वक्त उन्होंने जो कदम उठाए हैं ये दोनों के लिए आत्मघाती कदम है। आप देख लें
कल का कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम, ये तो लोबिन बाबू को आकलन करना चाहिए कि उनके साथ ऐसा व्यवहार शुरुआत पहले ही दिन क्यों हो गया। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा बिखरने लगी है। सवाल ये है कि चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बाद अगला कौन। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश और अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जेएमएम का कुनबा टूट रहा है, लेकिन बीजेपी मजबूत हो रही है। लंबे समय तक जो नेता जेएमएम को खून पसीना से सींचते रहे, आज उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और अब बीजेपी के साथ आगे के राजनीतिक भविष्य का सफर तय करेंगे। लोबिन हेम्ब्रम ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं आज भी शिबू सोरेन जी का भक्त हूं, उन्होंने मुझे अंगुली पकड़कर राजनीति सिखाई थी, लेकिन अब जेएमएम में वैसा कुछ नहीं रहा है। अब दिग्गज नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं को सम्मान नहीं दिया जाता। कुछ नेता अभी भी हैं जेएमएम में जो अपमान का घूंट पीकर रह रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर अब सियासत पूरी तरह से गर्म होती नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात कर ले चंपाई सोरेन की, तो चंपाई सोरेन ने कुछ इशारा किया है। इशारा यह है, उन्होंने कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या जेएमएम के कोई और वरिष्ठ नेता टूटकर बीजेपी में जाने वाले हैं? क्या गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है उसमें भी तकरार देखने को मिलेगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के अपने पार्टी में आने से कितना मजबूत हुआ है। तो अब कमल के साथ हैं लोबिन हेम्ब्रम। लोबिन ने थामा है बीजेपी का दामन, कहा संथाल को घुसपैठियों से बचाएंगे। क्या जेएमएम में और होगी टूट? सवाल बड़ा है, क्योंकि सीता सोरेन ने भी कहा है और चंपाई सोरेन ने भी कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अब जेएमएम के लिए खतरे की घंटी चंपाई सोरेन ने बजा दी है। अब सवाल यह है कि क्या चंपाई सोरेन के साथ जेएमएम के कई और नेता संपर्क में हैं? क्या कुछ और लोग हैं जो वरिष्ठ नेता हैं जेएमएम में और वो अपमान का घूंट पी कर रह रहे हैं? हमने पहले भी जेएमएम नेताओं के बारे में आपको बताया था, लेकिन आज लोबिन हेम्ब्रम, जो कि जेएमएम के दिग्गज नेता रहे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और हमारे साथ खुद लोबिन हेम्ब्रम लाइव जुड़ चुके हैं। लोबिन जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। लोबिन जी, सबसे पहला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, इतने दिनों तक जिस पार्टी को आपने खून पसीने से मेहनत से सींचा, क्या वजह हो गई, क्यों अचानक साथ छोड़ना पड़ा? देखिए, जिस उम्मीद को लेकर के हम लोगों ने बचपन से लेकर के जवानी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बढ़ाने में, संवारने में हम लोगों ने समय बिताया, और पूरा उम्मीद था, जो मिशन था, जो हम लोगों का लक्ष्य था गुरु जी का, वो वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। और बहुत आंदोलन भी हुआ, जेल भी गए, कई बार जेल गए, और पूरा तन मन धन के साथ में हम लोगों ने काम किया, निष्ठा के साथ में। लेकिन अभी का जो स्थिति परिस्थिति हम देखा कि गुरुजी के टाइम का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और अभी के झारखंड मुक्ति मोर्चा में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। और अभी का झारखंड मुक्ति मोर्चा, कुछ एक लोगों के मुट्ठी में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग इतने दिनों से देख रहे थे, आज तक एक भी कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाई गई और न एक भी सीनियर मेंबर से बैठ करके सलाह मशवरा किया गया कि भाई राज्य के हित में, सरकार के हित में, पार्टी के हित में क्या करना चाहिए। आज तक किसी तरह का कोई मशवरा नहीं दिया गया। और आज कुछ लोग जो हैं सीएम के अगल बगल में, उन्हीं लोगों का चलती है और उन लोगों के सामने सीनियर लोगों का भी मान और सम्मान को भी ध्यान में नहीं रखा जाता है, और जिससे बहुत लोग अब जेएमएम से लोगों का वो भंग हो रहा है।
जी, और आज चंपाई सोरेन जी ने भी कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। सवाल यह है कि क्या कोई अन्य नेता भी हैं, कुछ और वरिष्ठ नेता हैं जो जेएमएम पार्टी में रहते हुए नाराज चल रहे हैं? देखिए, लोगों का चेहरा से पता चलता है, बोली से भी पता चलता है। लोगों का माने लोगों को तकलीफ है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन एक दिन आने वाले समय में तो उसको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पब्लिक के बीच में जो मैनिफेस्टो वादा किया गया था कि फलाना चीज करेंगे, फलाना चीज करेंगे, नौजवानों के लिए भी ये करेंगे वो करेंगे, उसमें से एक भी चीज नहीं हुआ। और पब्लिक के बीच में भी इन लोगों को जाना पड़ेगा एक दिन, तो अभी इन लोगों को आपको लगता है थोड़ा टिकट का डर है, अभी बोलने में लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन समय आते आते सारे के सारे लोग पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हम संभावना रखते हैं। अब बिल्कुल लोबिन जी, आपने आदिवासी अस्मिता की आज बात उठाई, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आपने वो जरूरी बातें कही जो आज के वक्त में शायद कहा जाना बेहद जरूरी हो जाता था, तो क्या अपने नए साथी के साथ बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को इसी तरह से उठाएंगे और आगे क्या रणनीति होने वाली है, खास करके आदिवासी अस्मिता को लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर? देखिए, ये बांग्लादेशी घुसपैठी तो ये अबर अभी संज्ञान में नहीं लिया गया, तो हमको लगता है बहुत कम समय में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को डिबिया जलाने के बाद भी हम लोग नहीं कुछ पाएंगे। जिस तरह से अभी लव जिहाद, लैंड जिहाद जो अभी चल रहा है, आप बहुत लोगों का नाम है कि आदिवासी लड़की है और बांग्लादेशी घुसपैठी के साथ शादी हुई है, शादी तो नहीं हुए है बट क्या कोर्ट मैरिज हुआ या क्या हुआ है, और आज मुखिया वही लोग बन रहा है, जिला परिषद बन रहा है, तो ये सारी बातें हैं। तो इसमें अभी इस पर अगर, और इसको तो कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया और सरकार को भी आदेश दिया है कि इसका आप लोग जांच करवाएं, तो ये बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है और ये खास करके वहाँ के आदिवासियों के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है या हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग एक नंबर में इसको हम लोग रख करके हर हाल में इसको वहाँ के आदिवासियों को बचाना है और इस लव जिहाद और लैंड जिहाद से लोगों को बचाना है। बिल्कुल, लोगों को बचाना और आदिवासी अस्मिता भी बचनी चाहिए। एक और सवाल, आज आपने जब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की उस वक्त भी आपने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के लिए अब भी आपके मन में उतना ही सम्मान है, लेकिन अब वाला जेएमएम पहले जैसा नहीं रहा, इस बात का भी आपने जिक्र किया। अब सवाल यह है कि उस वक्त के जेएमएम में क्या ऐसा होता था जो अब नहीं हो रहा है, कितना अंतर बढ़ गया, मतलब फासला कितना बड़ा हो गया है? देखिए उस समय गुरु जी के कहने पर लोगों में एक झारखंड के प्रति एक लगाव अलग तरह का था, मर मिटने के लिए लोग तैयार थे, और आज चाहे वो महाजनी आंदोलन हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा को बढ़ाने में हो, चाहे यहाँ आर्थिक नाकेबंदी हो, बहुत सारा का ऐसा कार्यक्रम था जो यहाँ लोग परवाह नहीं करते थे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आर गुरु जी के साथ मिलना जुलना, बात करना की कोई रोक टोक नहीं था, और गुरु जी हर लोगों को सम्मान देते थे और दिशा निर्देश भी देते थे और हर लोगों का सबकी समस्या को सुनते थे, लेकिन वो चीज़ अभी नहीं रहा। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ कुछ चंद लोग हैं जिसके मुट्ठी में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रहा है। आखिर क्यों ऐसा स्थिति, क्यों स्थिति पैदा हुआ आज, इसीलिए हमने मीडिया में बार बार इस बात को बोला है, ऐसा स्थिति पैदा हो गया कि भाई आज हम लोगों को जिस मुक्ति मोर्चा को हम लोगों ने इतना पसीना बहा करके हम लोगों ने इसको सींचा था, तो आज यही सब कारण है कि आज आपने जो कहा था आज तक तो उसने किया नहीं। आपने बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारे लोगों को आश्वासन दिए थे, उसमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी आप रिसेंट ये आप जान रहे हैं
पाकुड़ कॉलेज में आदिवासी छात्रों का पिटाई हुआ पुलिस के द्वारा, और सीएम को क्या जानकारी नहीं था, क्या जानकारी नहीं है क्या? लेकिन आज तक सीएम वहाँ संज्ञान में नहीं लिया, और जबरदस्त रात में 11:30 बजे रात में इतना पुलिस फोर्स जाकर के आदिवासी छात्रों का जो पिटाई किया है। तो भाई यहाँ आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री है, मंत्री लोग आदिवासी है, और आदिवासी कल्याण छात्रावास में आदिवासी छात्रों का जो पिटाई होता है, फिर भी आप उस पर कुछ नहीं कर रहे हो। तो लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री ये आदिवासी नहीं है, या नहीं तो आदिवासी को भूल गए हैं। तो इसलिए सबों के मन में आक्रोश है, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से लोगों का मुंह भंग होते चले जा रहा है। एक और लोबिन जी, हम आपसे सवाल लेना चाहेंगे। हमने आपको देखा कि आप सरकार में रहते हुए भी आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, जो उचित आपको लगा उस पर सवाल उठाया, जो अनुचित लगा उसको लेकर आपने सरकार से मांग भी की। क्या बीजेपी के साथ रहते हुए भी उचित अनुचित का जो भेद, जो फर्क है, उतना ही साफ स्पष्ट नजर आएगा? देखिए, सवाल है कि जो जनमीन मुद्दा है, जो यहाँ के लिए जरूरी है, तो आज यहाँ पर हमको ये देखना है कि भाई आदिवासी और बीजेपी में आखिर कौन सी ऐसी बात है कि आज ये बात नहीं बन पा रही है, इसको भी हम लोग खोज निकाल करके आपस में बैठ कर बात करेंगे। और जो जर्मीन है जिसके लिए राज्य अलग हुआ है, और राज्य अलग होने के बाद भी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को फायदा नहीं होगा, यहाँ का जल जंगल जमीन लुटाएगा, यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये सारा चीज़ तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें भी इस सब बात को हम लोग रखेंगे, और हम लोग आग्रह करेंगे सरकार से कम आज यहाँ आदिवासी मूलवासी कैसे बचेंगे। हर तरह से लोग गुजर रहे हैं, चाहे वो डैम से हो, चाहे कारखाना से हो, बहुत तरह से लोग गुजर रहे हैं, चाहे हवाई अड्डा से हो, तो आखिर आदिवासी लोग ही उजड़ रहे हैं। तो लेकिन इन लोगों के लिए तो कोई उनके लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन वो सारा चीज़ नहीं हो रहा है। आज भी यहाँ लोग ट्रेसलेस हो जा रहे हैं, अभी धनबाद में, अभी अब जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट है, अभी बोकारो में बहुत आदिवासी लोग ट्रेसलेस हो जा रहे हैं, कहाँ चले गए, नहीं चले गए। तो ये सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम ठीक है उसके ज़मीन के नीचे कोयला है, माइंस है, बहुत तरह का है, तो आज उन लोगों को कैसे बचाया जाएगा, उसका अस्मिता कैसे बचेगा, इस पर भी तो सरकार को हम लोग को ध्यान में देना पड़ेगा। बिल्कुल लोबिन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुखरता से तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यूज 11 भारत की तरफ से आपको नए राजनीतिक सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे लोबिन हेमरम। आज बीजेपी का दामन थाम लिया है, अंदाज सभी को पता है, हर झारखंडवासी जानता है कि लोबिन हेमरम कैसे काम करते हैं, जो उचित होता है उस पर बात रखते हैं, जो अनुचित होता है उस पर सवाल उठाते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले 3 महीनों में, खास करके जब तक विधानसभा चुनाव संपन्न नहीं हो जाता, और क्या कुछ नया होने वाला है। तो आज लोबिन हेमरम ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है, मतलब साफ है कि जेएमएम का कुनबा कमजोर होता नजर आ रहा है, वहीं एक एक करके बीजेपी में दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं, जिससे कोल्हान हो या संथाल, बीजेपी अपने आप को हर जगह मजबूत देखती नजर आ रही है। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है, हम अब सबसे पहले अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बटर सिंह जी जुड़े हुए हैं जेएमएम से। बटर जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। प्रतुल शाहदेव हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। ऋषिकेश सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और परवाज खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजसू से। परवाज जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले जेएमएम का रुख करते हैं। बटर जी, सवाल बहुत बड़ा है। चंपाई सोरेन ने आपका साथ छोड़ दिया, लोबिन हेमरम को तो खैर आप लोगों ने निष्कासित कर दिया था, अब लोबिन भी बीजेपी के हो गए, एक एक कर दिग्गज नेता जेएमएम से किनारा कर रहे हैं लेकिन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, मजबूती उनकी बढ़ रही है, वजह क्या है, जेएमएम क्यों छोड़ रहे हैं वरिष्ठ नेता? जैसे आपने ठीक ही कहा था कि लोबिन जी तो पहले ही पार्टी से निष्कासित थे, तो उन किसी भी पार्टी में जाए उससे हमको तो कोई लेना देना नहीं। और चंपई जी की तो मैंने पहले भी बात कह दी कि मैं तो बोलते आ रहा हूं कि उन्होंने जय श्री राम से कल अपने भाषण का अंत किया, और
जिस तरह से श्री राम को जो हमारे इष्ट हैं, भगवान हैं, उसको एक पॉलिटिकल टूल बना के यूज कर रही है, तो ये बीजेपी वाले ही कर सकते हैं इतना गिरी हुई राजनीति धर्म को लेकर। और हमने तो कहा है कि टाइगर वाइल्ड में ही क्या इसे ऐसा नहीं देखा जा सकता बटर जी के किसी नए काम की शुरुआत भगवान के नाम के साथ कर रहे हैं, ऐसे भी तो देखा जा सकता है। सत श्री अकाल नहीं करते हो? वो भी देखा कि दो दिन पहले बंगाल बंद में बीजेपी वालों ने एक दुकानदार को लूटा भारत माता जी की जय और जय श्री राम बोल के, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं वो किस श्री राम जी नहीं नहीं ये बात अलग हो गई। आप आरोप लगा सकते हैं, आपने साफ तौर पर आप तो पुष्टि कर दे रहे, ऐसे तो नहीं ना, मतलब आप किसी को भी कुछ भी तो नहीं कह सकते हैं। कैसे आप पुष्टि क्या, आप निकालिए एक्स का हैंडल अपना खोलिए, सोशल मीडिया का निकालिए, पूरा इंडिया देख चुका है उसको, आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं कुछ बना रहा हूँ, है ना। मैं बात देखिए, मैं टीवी पे बैठा हूँ, कोई बात अपने मन से घर की थोड़ी जी बिल्कुल, लेकिन आप आरोप लगाइए, ऐसे साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं। रेड फोर्ट से चढ़ के झूठ थोड़ी देश को बोल सकते हैं हम लोग, उतनी औकात हमारी थोड़ी है, वो खाली नॉन बायोलॉजिकल लोग बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। और पिंजरे में बंद, चाहे सोने का पिंजरा में बंद टाइगर की कोई औकात नहीं होती है, जोकर बंदर सारे पेंसिल मार मार के हंसते हैं और पब्लिक तमाशा देखने आती है। तो ये हाल कर दिया इन्होंने चंपईदा को, जो ओपन में टाइगर था हमारी पार्टी में, आज एक पिंजरे में बंद। अभी तो एक ही दिन हुआ है, हाँ, तो आप देख लीजिएगा क्या हाल होने वाला है। और हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता जिस लोगों, जिन लोगों को अभी भी ये गुमान है कि मेरी बदौलत पार्टी है, वो आज भी बहुत फ्री है, वो जहां भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग आज मैंने सीन देखा, बीजेपी ऑफिस में जब लोबिन हेम्ब्रम जी ज्वाइन करने गए, कोई भी एक, जितने भी 5-7 लोग थे जो मेन, खाली एक ही चीज ओरिजिनल था जो बीजेपी का पोस्टर, बाकी सारी लोग थे वो दूसरी पार्टी से आए हुए थे, बीजेपी का कोई ओरिजिनल बंदा वहां नहीं था। तो ये पब्लिक को दिखाता है कि क्या बीजेपी है और वो क्या चाह रही है, वो भानुमति का कुंभा है, कब बिखर जाएगा कुछ नहीं पता। बटर जी ठीक है, बिल्कुल आप बने रहेगा, हम प्रतुल जी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, बीजेपी का कुंभा मजबूत हो रहा है साफ तौर पर, क्योंकि हमने देखा है और इतिहास भी गवाह है कि लोबिन हेम्ब्रम और चंपाई सोरेन झारखंड के लिए खासतौर पर कितने बड़े नेता रहे। अब जेएमएम कह रही है कि टाइगर को पिंजड़े में बंद किया जा रहा है, इसका जवाब दें। हाँ, उससे पहले आयुष, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, मैं सिर्फ एक मिनट में इस टॉपिक से हटकर एक बहुत गंभीर विषय है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए, जो उत्पाद सिपाही भर्ती की नियुक्ति हो रही है उसमें आज शाम तक 10 युवकों की मौत हो चुकी है। तो यह सरकार जो नौकरी का विज्ञापन निकालती है उसमें इतनी बद इंतजामी होती है कि 10 लोग की मौत हो जाती है। और कैसा इन्होंने ये निकाला, जो 8 अगस्त को अधिसूचना निकाली, 14 अगस्त को एडमिट कार्ड दिया और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 22 अगस्त से दौड़ का आयोजन किया। दौड़ का जो आयोजन का समय था वो सुबह 5 और 4 बजे से था और ये दौड़ का आयोजन इन्होंने 8 और 9 बजे से किया, जो उमस भरी गर्मी में 10 युवकों की इस सिस्टम ने हत्या कर दी। मैं इसे मौत नहीं मानता हूं, 10 युवकों के घर का चूल्हा बुझ गया और 10 युवकों की मौत हो गई, सैकड़ों युवक जो है वो लगातार बेहोश हो गए हैं। तो ये कौन सा साहब, आपने तो अभी तक नौकरियां दी नहीं, आपने तो गिनकर 11,344 नौकरियां दी, जो विधानसभा में आपने जवाब दिया, जिसमें 4,000 पंचायत सचिव अभ्यर्थी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आपके खिलाफ लड़कर लिया, और अब उत्पाद सिपाहियों की नियुक्ति में 10 मौतें यहां के बेरोजगार युवकों की हो रही है, जो नौकरी की लालसा में जान को हथेली पर रखकर दौड़े। आयुष, ये कहां का न्याय है? अगर आपने 4 बजे दौड़ने का समय तय किया है तो 4 बजे सुबह दौड़ाएं, आप उमस भरी गर्मी में दौड़ा रहे हो, लगातार मौतें आ रही हैं। आपने भी अपने चैनल में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया कि कैसे गढ़वा में, पलामू में, जहां भी दौड़ हो रही है इन युवकों की मौत आ रही है। देखिए, अब लौटते हैं, अब जो चंपई सोरेन जी के लिए ये लोग कह रहे थे, हम तो पहले भी चर्चा कर चुके थे आज, और इसमें बटर की ग्लोरिफिकेशन नहीं करेंगे। देखिए, अभी ना अरविंदर के पास ये सिद्ध करने का और ज्यादा इसको जरूरत है बोलने के लिए, क्योंकि ये तो नवरत्न में थे ना, वो जो 9 नगीने होते हैं दरबार के चंपई सोरेन जी के, उसमें ये भी शामिल थे, ये भी तो रोज अपने घर से ज्यादा चंपई सोरेन जी के घर में रहा करते थे। उस दिन आपके यहाँ एडमिट भी किया था कि हमें कई जो वहां के स्वार्थी लोगों थे उन्होंने जाने से रोका था, आपने पूछते रह दिए रख गए, लेकिन इन्होंने बताया नहीं कौन से लोग थे। और जहां तक ये दल बदलने की बात करें, जय श्री राम की बात करें, तो प्रभु श्री राम इस देश की आस्था के प्रतीक है साहब, उनको कभी भी कोई शुभ काम होता है। आपने बिल्कुल कहा,
सही कहा क्या, सत श्री अकाल नहीं कहते हम लोग, श्रद्धा से वो भी कहते हैं, जय श्री राम कह दिया तो क्या किया, क्या गुनाह कर दिया? हाँ, इन्हें गुनाह इसलिए लगेगा ना क्योंकि इनके सहयोगी दल कांग्रेस ने तो जो प्रभु श्री राम है उसके अस्तित्व को, उनके अस्तित्व को ही सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2007 में एफिडेविट करके नकारा था और उनको एक काल्पनिक कैरेक्टर बताया था। लौटते हैं मौजूदा परिस्थिति की ओर। देखिए, संथाल से लेकर कोल्हान तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा जो किला था जो 2019 में इन्होंने बनाया था वो ढहता दिख रहा है। अब देखिए एक एक करके परिवार की मां समान बड़ी बहू सीता सोरेन ने पहले पार्टी को छोड़ा, आरोप लगाया कि उनको टारगेट किया गया, उनको अलग थलग कर दिया गया परिवार में। परिवार में जो एक बड़ी बहू को, मां समान बड़ी बहू को इज्जत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। अपनी बेटियों की परवरिश खुद की, बहुत आंसुओं भरे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस थे जो हम लोगों ने देखा था, बहुत मार्मिक करने वाले बातें थी और गुरु जी के प्रति उन्होंने भी श्रद्धा व्यक्त की थी और कि गुरु जी अगर ठीक होते तो ये स्थितियां नहीं होती। चंपई सोरेन कोल्हान के 14 सीटों पर जिनका झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत बड़ा दबदबा है और कहते हैं कि वो 40 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे कोल्हान क्षेत्र को सींचा है और उनके बारे में बड़ी फेमस किंवदंती है कि सारे गांव में जिस घर में जाते हैं वो सबको नाम से जानते हैं, सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं पूरे कोल्हान क्षेत्र में। तो इनके लिए तो बहुत बड़ा झटका था कोल्हान से इनका आना। और 22 अक्टूबर 2022 को सीता सोरेन जी ये जो कहते हैं ना कि इनका दिल बदलता है चुनाव में, ऐसा नहीं होता साहब। 22 अक्टूबर 2022 को सीता सोरेन जी ने ट्वीट करके कहा था कि दुमका में गुंडा राज है और वहां के डीआईजी पर आरोप लगाया था, मैं मर्यादा के चलते डीआईजी का नाम नहीं ले रहा हूं, कि 700 अवैध क्रशर चल रहे हैं सिर्फ दुमका क्षेत्र में उसी डीआईजी के संरक्षण में, अपनी सरकार पर आरोप लगाया था। लोबिन हेम्ब्रम लगाया था कि लगातार जो खनन की वहां कोयला की तस्करी हो रही है, पत्थर की तस्करी हो रही है और बॉर्डर पार भेजा जा रहा है बिना चालान का। उसके बाद वो धरने में भी बैठ गए थे, आपको याद होगा। बॉर्डर पर मैं आपको बता दूं प्रतुल जी, उस बारे में जब अवैध खनन का जिक्र हो रहा था मेरे लोबिन हेम्ब्रम से बात हुई थी, मैंने कहा था कि ठीक है आप सरकार में आप सवाल उठा रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं हो रहा? कहते मैं हर बार सवाल उठाता हूं, मैं अकेले में भी मीटिंग करके ये बात करता हूं लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आता। उस वक्त भी उन्होंने ये बातें कही। बिल्कुल सही आयुष, आपको याद होगा वो धरने पर बैठ गए थे चेक पोस्ट के पास कि ये जो गाड़ियां जा रही है बिना परमिट के, ये सरकार ये लूट करवा रही है खजाने की, ये बिना परमिट के गाड़ियां जा रही है बिना टैक्स दिए हुए। तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का किला था ना ये ढहता जा रहा है। लोबिन हेम्ब्रम जी मुखर विधायक थे और ये लोग कहते हैं कि साहब पिछले चुनाव में वो 15-20 हजार वोट भी नहीं ला पाए अपने क्षेत्र में, तो किसी एक चुनाव से आप किसी का आकलन नहीं कर सकते। सुबोध कांत साय जी बड़े नेता हैं, हम लोग सब उनका सम्मान करते हैं, पर पहले वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे थे 1989 में और 1991 के चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी, मुझे ठीक से याद है वो 27 हजार वोट सिर्फ लाए थे लोकसभा चुनाव में। तो एक चुनाव से किसी को आप आकलन नहीं कर सकते। लोबिन हेम्ब्रम बड़े नेता हैं, चंपई सोरेन बड़े नेता हैं, सीता सोरेन तो परिवार की बड़ी बहू है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ताबूत पर अंतिम कील ठुक गया है और देखिए आने वाले दिनों में जिस तरीके का ना कहते ना डूबते हुए नाव से तो ऐसे भी लोग भागते हैं, डूबते हुए नाव में सवार होने कौन जाता है साहब? तो डूबते हुए नाव से आपको भागते हुए लोग ही दिखेंगे और भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो बढ़ रहा है ना उससे ये बदहवास हो गए हैं, व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। और आज देखा आपने जो रामदास सोरेन जी मंत्री बने हैं, पहले तो चंपई सोरेन जी को गद्दार कहा गया, विभीषण कहा गया, कुकर्मी कहा गया, आज उनको सियार कह दिया। और मैं अरविंदर की बात को सुन रहा था कि दल बदल लिया, अरविंदर खुद चौथा दल बदलते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए, पूरा अपना सामान उमान यहां घर वर बेचकर पटियाला शिफ्ट कर गए हैं और वहां से झारखंड के बारे में ये ज्ञान दे रहे हैं। ये कौन सी बात नहीं होते हैं प्रतुल जी, पर्सनल नहीं होते, नहीं पर्सनल नहीं, ये जो कहते हैं दल बदल लेकिन तो चार दल तो अरविंदर खुद बदले हैं, तो ये कौन सी बात करते हैं? इनको नीति सिद्धांत सूट किया तो ये दल बदल लिए, इनको सूट किया कि नहीं अब झारखंड से मुझे मोह खत्म हो गया ये पटियाला शिफ्ट कर गए। तो ये सबका व्यक्तिगत चॉइस होता है, जैसे अरविंदर के चॉइस पर हमें इतराज नहीं है, कोई चंपई सोरेन के चॉइस पर इनको क्यों इतराज हो रहा है? और कल तक तो उनके ये खासम खास थे, आज जो पूरा सिनेरियो बदल रहा है तो अरविंदर जानबूझकर ऐसे नुकीले भाषा का, ऐसे घटिया भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो अवॉइड करना चाहिए। चलिए हम कांग्रेस का भी रुख कर लेते हैं, कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस की ओर से तो कह सकते हैं प्री मैच्योर रिएक्शन आ गया था सामने, जब चंपाई सोरेन ने एक बात स्पष्ट भी नहीं किया था कि वो रहने वाले हैं, जाने वाले हैं, नए संगठन बनाने वाले, कांग्रेस के नेता अटैक पर अटैक किए जा रहे थे, कोई विभीषण कह रहा था, कोई गद्दार कह रहा था, कुकर्मी तक कह दिया गया। अब कांग्रेस संतुष्ट है क्या कि कांग्रेस को जो पता था वो सामने हो गया है? आयुष, कांग्रेस के नेता प्री मैच्योर स्टेटमेंट नहीं दिए थे, दूरदर्शी स्टेटमेंट दिए थे और वो सामने भी आ गया। और आपने कई चीजें यहाँ उठाई तो मैं बताना चाहता हूँ कि चंपई सोरेन जी हूँ,
लोबिन हेम्ब्रम जी हो, सीता सोरेन जी हो, तीनों जब झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के जाते हैं तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। यानी खरबूजा के देख के खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरह से इनकी भाषा बदल गई। देखिए, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा पार्टी के आंतरिक मामलों के बारे में कुछ, उन्होंने सिर्फ कहा है कि वरिष्ठ नेताओं को अपमान का घूंट रहकर मतलब पी कर रहना पड़ रहा है। सिर्फ अपमान की बात कही, निजी अपमान की। अपमान उस समय उनको नहीं लग रहा था जब उनको मंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, और जब दोबारा हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसी कैबिनेट में फिर से मंत्री बनते हैं, और दो महीना बाद अपमान की बात कहां से आ गई। यानी यह दिखाता है कि आपका मन बदल चुका था, मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे, सत्ता की ऐसी लालच नहीं होनी चाहिए। आपको पता था कि हेमंत सोरेन जी परिस्थितिवश जेल गए हैं, भाजपा का षड्यंत्र के तहत जेल गए हैं, ईडी का दुरुपयोग करके जिस तरह से उनको जेल भेजा गया, इस कारण से मुख्यमंत्री किसी को बनाना था। और सबसे ज्यादा जिन पर विश्वास किया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, और मुख्यमंत्री बने, पांच महीना मुख्यमंत्री रहे, जब हेमंत सोरेन जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, हाईकोर्ट से उनको बेल मिला, और बेल यह करके कह करके बेल मिला आयुष जी कि ईडी कोई भी सबूत नहीं दे पाई लैंड घोटाला का। उसी कैबिनेट में चंपई सोरेन जी दोबारा मंत्री बनते हैं, और दो महीना के बाद आयुष जी उनको याद आता है कि उनका अपमान हो रहा है। नहीं, जितना सम्मान आपको महागठबंधन ने दिया, मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में उतना कभी सम्मान नहीं मिलेगा आपको। अपमान का घूंट पीकर वापस आना पड़ेगा। कई नेता गए और आए, साइमन मरांडी जी हो, हेमलाल मुर्मू जी हो, स्टीफन मरांडी भी छोड़ चुके थे पार्टी, लेकिन वो सब वापस इसी पार्टी में आए और वहां सम्मान मिला। और पांच महीना में जहां तक तो अब भी कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर अपमान का घूंट पीकर रह रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं जब पार्टी छोड़ के आयुष चले गए तब कह रहे हैं पार्टी में रहते हुए पार्टी छोड़ कर गए। स्टीफन मरांडी पार्टी में रहते हुए ये बात कह रहे हैं कि अपमान का घूंट पीकर रहना पड़ रहा है, लेकिन पार्टी को बचाना है, पार्टी को बचाना है। तो इनका नीति सिद्धांत क्या हुआ? ये क्यों पार्टी को बचाने की जगह भारतीय जनता पार्टी में चले गए? भारतीय जनता पार्टी में स्वार्थ के लिए अगर गए हैं तो स्वार्थ पर भारतीय जनता पार्टी पानी फेर देगी। दल बदलुओं का दलदल बन चुका है भारतीय जनता पार्टी। आयुष देखिएगा कि तमाम जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, जिसको अक्षम माने, वो लोग को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया। यही चंपई सोरेन जी जब अपने विधानसभा से लोकसभा चुनाव में 25,000 वोट से पीछे चले गए थे, ये लोग इस्तीफा मांगने का काम करते थे, बोलते थे कि उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। और वही चंपई सोरेन जी आज टाइगर चंपई सोरेन जी बार बार बोला जा रहा है। हाँ, टाइगर थे, हैं और रहेंगे, लेकिन जहां गए हैं उन्होंने बड़ी गलती की है, और देखिएगा वहां उनको ज्यादा अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी में एक अनार और 100 बीमार की स्थिति है। सब मुख्यमंत्री बोल करके ला रहे हैं, तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा आखिर कौन है इनका? बाबूलाल मरांडी जी विचलित हो चुके हैं। बीजेपी ने तो पहले ही साफ कर दिया, बाबूलाल मरांडी विचलित हो चुके हैं। इतने तो में हम विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जब चंपई सोरेन जी अमित शाह से मिलते हैं, भागे भागे बाबूलाल मरांडी दिल्ली गए, अमित शाह से मिले, उनको आने से रोका गया। ज्वाइनिंग में मालूम था कि अमित शाह जी को आना था, आने से रोका गया। और इतने विचलित है बाबूलाल मरांडी जी, अमित शाह जी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो अगले महीने ऑप्शन क्या था, सितंबर के पहले हफ्ते में आ रहे हैं। ऑप्शन क्या था? और अंतिम आयुष एक बात अभी उठा यहाँ, उत्पाद सिपाही का दुखद मृत्यु हुआ 10 लोग का, सरकार गंभीर है, लेकिन ये अपना नहीं देखते हैं। गलत नोटबंदी का निर्णय है, सैकड़ों लोग मर गए, किसान आंदोलन में 750 किसान मर गए, इनके बदइंतजामी के कारण मरे थे, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती। हमारे राज्य के 10 युवाओं ने जान दी है और उनकी जान चली गई, तो बेहद जरूरी मुद्दा, हम इस पर चर्चा बिल्कुल करेंगे। हम प्रवास खान जी का रुख कर लेते हैं। प्रवास जी, अब एनडीए मजबूत होता नजर आ रहा है, मतलब चंपाई सोरेन आ गए हैं, लोबिन हेम्ब्रम आ गए हैं, चंपाई सोरेन ने ये तक कह दिया कि आगे आगे देखिए होता है क्या, क्या खिचड़ी पक रही है एनडीए के अंदर, क्या रणनीति तैयार हो रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? धन्यवाद आयुष। सबसे पहले आसू पार्टी की तरफ से जो युवा राज की जो खराब पॉलिसी के चलते आज वो काल के गाल में समा गए, उनके प्रति श्रद्धांजलि। और ये देखिए सरकार जो है आयुष, कहीं ना ये सब कुछ खो गई है। जैसे बता रहा हूँ, पहले तो ये युवाओं को बेरोजगार की, अब युवाओं को मौत बांट रही है सरकार। इस पे सबसे पहले युवाओं में जो आक्रोश है ये देखिएगा आगामी चुनाव में ये दिखेगा। और आसू पार्टी भी उसी के लेके, जो बेरोजगार युवा हैं, जो सरकार जो बोल रही थी कि इनका डेटा हमारे पास नहीं है, वो डेटा हम लोग एकत्र कर रहे हैं, सारा डेटा
मिला के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी जल्द सरकार को सौंपेंगे। अब बोलेंगे कि क्या हुआ आपका नौकरी का जो वादा था उसे पूरा कीजिए। रही बात ये जो सरकार है आयुष, देखिएगा अपना तो जमीन खो ही गया है, जमीर भी खो दी है, साथ साथ में ये जो ऑनलाइन जो जमीन का घोटाला जो कर रही है, जो खतियानी जमीन का जो इस तरह से डिजिटली डकैती चल रहा है, इस पे भी गहन चिंता की बात है कि झारखंड का लोगों का किस तरह के इनके अधिकारी हैं जो डिजिटली कर रहे हैं, जमीन का सीधे सीधे डकैती कर रहे हैं, कितना सारा मुद्दा है। आपने जब पूछा कि एनडीए मजबूत हो गया, एनडीए मजबूत था और सशक्त हो गया, क्योंकि जब आंदोलनकारी झारखंड को जो बनाने वाले लोग जो जिस तरह से जब आपका जब जमीन खो गया है, जब जमीर खो गया है, तो कहीं ना कहीं तो अपनी जमीर को बचाने के लिए समाहित होंगे। जाहिर सी बात है वो एनडीए में आए हैं, एनडीए मजबूत हुआ है और मुखरता के साथ देखिएगा जिस तरह से ये व्यक्ति पूजा की तरफ से जिस तरह से पार्टी बढ़ रहा था उसमें लोग व्यक्ति पूजा नहीं करना चाह रहे थे, वो झारखंड को बनाए हैं, झारखंड को संवारने के लिए यहाँ पे आए हैं। और इसके साथ साथ में देखिएगा युवाओं का जिस तरह से आक्रोश है, ये आकस्मिक मौत होना इस तरह का चीज है, ये इस तरह का ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी ऋषि भी बोल रहे थे कि देखिएगा ज्यादा अपमान होगा, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं ऋषि भी कि अपमान हो रहा था। ज्यादा मतलब ज्यादा क्या, उस लेवल के बाद आप जा रहे हैं तो ज्यादा बोल रहे हैं, आपका शब्द है ऋषि, आप बोले कि ज्यादा अपमान होगा, मतलब मान रहे हैं आप वो मान रहे हैं, मैंने नहीं बोला चंपाई सोरेन जी ने कहा कि अपमानित हुआ, उस पर मैंने कहा गलत। झारखंड सरकार के कैबिनेट में मंत्री जो कल तक चंपईदा के कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, किस तरह का शब्द का प्रयोग किए इनके प्रवक्ता, इनके नेता एक आंदोलनकारी थे, चंपईदा आंदोलनकारी हैं, वो सब भूल के भी शब्द का किस तरह से यूज किए, ये कभी आपको शोभा नहीं देता। एक अनुशासन होना चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए, कहीं एक सुचिता होनी चाहिए, लेकिन ये सब चीज छोड़कर जिस तरह का शब्द आ रहा है, ना इनके पास ना बाउंड्री है ना दरवाजा है, उसी तरह शब्द भी इनका उसी तरह है कि किसी को हर्ट कीजिए और जनता को जिस तरह से ये हर्ट कर रहे हैं इसका देखिएगा आगामी चुनाव में परिणाम इनको वॉश आउट करके देगा जनता। बिल्कुल अपरवास जी, तो आपने जिन मुद्दों को उठाया बेहद जरूरी मुद्दे, खास करके अभी झारखंड की अगर परिस्थिति की बात कर ले तो आपने श्रद्धांजलि अर्पित की जिन युवाओं की आज जान गई, और जाहिर तौर पर अगर डिसिप्लिन की कमी हो रही है तो ये हो रहा है जिस तरह की खबरें सामने आ रही है। 4 बजे से 5 बजे तक दौड़ होनी शुरू हो जानी चाहिए थी, 8 बजे 9 कहीं कहीं 10 बजे दौड़ शुरू हो रही है। जाहिर तौर पर इतने कड़े धूप में अगर कोई इतनी लंबी दूरी तय करेगा दौड़ते हुए तबियत भी, देखिए मीडिया दिखा रहा है जिस तरह से कुव्यवस्था है, आपको मेडिकल एड साथ साथ में रखना था, अगर घायल युवा हो जा रहे हैं किसी तरह से तो उसको जमीन पे सुला दिया जा रहा है, फ्लोर पे सुताया जा रहा है, लाश जमीन पे पड़ी रह रही है, इस तरह का कुव्यवस्था के चलते अब ये बात करने लायक है ही नहीं है। और इस तरह का विभत्स जो पिक्चर जो आ रही है ये तो देखिएगा ये अति हो गया है, एक फॉर्मेलिटी अब रह गया है चुनाव, चुनाव में इनकी मतलब की विदाई एकदम निश्चित है। चलिए हम प्रतुल जी का रुख कर लेते हैं। प्रतुल जी, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि अब एनडीए सशक्त होता नजर आ रहा है, कोल्हान में खास करके मजबूती मिली है, और ये बीजेपी के तमाम नेता, दिग्गज नेता भी साफ तौर पर कह रहे हैं, बाबूलाल मरांडी ने भी कहा था कि उस क्षेत्र में अब हमारी मजबूती और अच्छी होगी, हमारी पकड़ और मजबूत होगी। लेकिन अगर हम बात कर लें इस पूरे प्रकरण को लेकर, तो न सिर्फ चंपाई सोरेन, न सिर्फ लोबिन हेमरम, न सिर्फ सीता सोरेन, कई और ऐसे नाम हैं जिनके नामों की चर्चा राजनीतिक बाजार में तैर रही है कि ये लोग भी बहुत जल्द बीजेपी में जाने वाले हैं। बीजेपी अब कितना मजबूत महसूस करे, क्योंकि अगर हम देखिए स्पष्ट अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों की बात कर लेते हैं, बीजेपी उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही थी जितना अब चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से ये पार्टी कोल्हान क्षेत्र में खास करके मजबूत नजर आ रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विषम और विपरीत परिस्थितियों में अपने राजनीतिक जो यात्रा है उसकी शुरुआत की थी। सिर्फ 2 सांसद थे हमारे, 303 तक हुए, इस बार 240 हुए, तो हम लोगों ने संघर्ष में विपरीत परिस्थितियों में भी शाइन करना सीखा है। और जो आप कह रहे थे कि एनडीए और मजबूत होगी, नहीं साहब, एनडीए पहले भी मजबूत थी, बीजेपी पहले भी और मजबूत, जी बीजेपी पहले भी मजबूत थी। मैं इस आंकड़े को कई बार दोहरा रहा हूं, एक बार फिर से दोहराता हूं आपके चैनल में कि पिछले चुनाव में बीजेपी को 50 लाख वोट आए थे, आजसू को 7 लाख वोट आए थे, और महागठबंधन जिसमें तीनों दल शामिल थे उसे 52 लाख वोट आए थे।
तो 52 लाख वोट आकर ये सत्ता पर काबिज हो गए और 50 लाख अकेले बीजेपी को 10.5 लाख वोट बीजेपी। अब मेरे आंकड़े में तो 7 लाख आए थे। खैर एनीवेज आप लोकसभा की शायद बात कर रहे हो तो एनी कुछ भी आप मुझे बोलने दे, फिर आप क्लियर क्लेरिफाई कर लीजिएगा। तो जो भी हो, हमारा जो दोनों का अलायंस अगर उस समय हुआ होता तो हम बहुत आगे रहे होते। अगर परवाज की बात माने तो 10.5 लाख और हमारी जो अपने आंकड़े 7 लाख, तो ये करीब 4-5-7 लाख का मार्जिन होता, तो हम मजबूत पहले भी थे। लेकिन कोल्हान क्षेत्र में, और ये स्वीकारने में मुझे भी थोड़ी भी हिचक नहीं है कि हम अब बहुत 5-6 सीटों से ऊपर कभी नहीं उठे। ये हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस, हमारे उस क्षेत्र के कई कद्दावर नेता आते हैं, रघुवर जी का भी काफी वर्चस्व रहा है उस क्षेत्र में, अर्जुन मुंडा जी भी बड़े नेता उस क्षेत्र से, दिनेश आनंद गोस्वामी जी कई बार चुनाव जीते हैं, और अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपई सोरेन जी भी आ गए हैं। तो इन सबों को अगर आप जोड़ दें, हालांकि रघुवर दास जी तो अब राज्यपाल हो गए हैं, लेकिन कहते हैं ना किसी व्यक्ति का प्रभाव उस क्षेत्र में रहता है, तो इन सबों को जोड़ दें तो कोल्हान में इस बार हम 10-11 सीटों के स्ट्राइकिंग रेंज में आने जा रहे हैं, जो अब तक के इतिहास का हमारा सबसे बड़ा लीप होगा। और 11 सीटें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो 30 सीटें जीती थी वो तो कोल्हान क्षेत्र से जीती थी। 9 रिजर्व सीटें थी, 2 SC के लिए सीटें थी और 2 सीटें कांग्रेस को आई थी, 1 सरजू राय जी ने जीती थी। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो ये कोल्हान इनका संथाल से भी मजबूत किला था और वो किला ढह गया। चंपई सोरेन का आना इसलिए भी सबसे महत्वपूर्ण है कि 1/3 से ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक कोल्हान क्षेत्र से आते हैं और इनका कोल्हान का सबसे मजबूत स्तंभ जो है वो ढह गया। और ढहने के पीछे के भी कारण को देखे ना, कितना अपमान हुआ। कहते हैं मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा सम्मान दिया, कौन सा सम्मान दिया? उस समय परिवार की स्थितियां ऐसी थी कि परिवार के कई सदस्य सोरेन डायनेस्टी के कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, किसी ने कहा ये बनेंगी तो ये मुझे स्वीकार नहीं। भाई बसंत सोरेन उधर अलग नाराज थे, तो चंपई सोरेन तो एक कंपल्शन में कैंडिडेट हुए थे, कोई ऑप्शनल कैंडिडेट नहीं थे। ऑप्शन हुआ होता तो जो गांडे सीट इन्होंने खाली कराया था ना, तो कल्पना सोरेन को बनाए होते। ये तो परिवार के भीतर की गुटबाजी के कारण बने थे। चंपई सोरेन ने इनकी पार्टी को बचाने का बड़ा कार्य किया था और 5 महीने तक वो सरकार को चलाते रहे, लेकिन जो अपमान करके, आप साहब सदन के नेता है, विधायक दल के नेता है, विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है और आपको खबर नहीं होता, तो क्या वो गैर संवैधानिक नहीं है? आपको कहा जाता है कि अब अंतिम 3 दिन में आपके कार्यकाल का कोई कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे, अब मुख्यमंत्री को आदेश देने वाला कौन होता है? और क्या चंपई सोरेन झूठ बोल रहे हैं? और जिस तरह की तुलना अभी अरविंदर ने की थी कि पिंजरे में कैद है अब टाइगर और बंदर और जोकर, उनको पत्थर मारेंगे, तो बंदर और जोकर से इनका तात्पर्य क्या था? किनको कह रहे हैं बंदर और जोकर? तो जाहिर तौर पर भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन चंपई सोरेन से लेकर लोबिन हेमरम और अगर हम बात करें कोल्हान से लेकर संथाल तक, झारखंड मुक्ति मोर्चा का किला ढहता जा रहा है। ऐसे भी इन्होंने भ्रष्टाचार और लूट का जो नंगा नाच 5 वर्षों में रचा है ना, वो तो झारखंड की जनता इनको गुड बाय कर ही चुकी थी। अब तो और इनका जो डूबता जहाज है ना, उसके डूबने की गति तेज हो जाएगी। बीजेपी और मजबूत हुई है, बीजेपी एनडीए और सशक्त हुआ है। प्रभास जी बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल करेक्शन कर देते हैं। जी, भाई का जो डेटा था लगभग हम लोगों को 12.25 लाख वोट था। ठीक है, बिल्कुल, तो 12.25 लाख वोट आप लोगों को उस वक्त आया था। चलिए ठीक है, आगामी विधानसभा चुनाव में शायद वो वोट जब एक साथ कुल जोड़ सामने आएगा तो फायदेमंद साबित हो। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे चंपाई सोरेन, लोबिन हेमरम और जेएमएम के बारे में। लोबिन हेमरम ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, लेकिन एक दिन पहले चंपाई सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, जय श्री राम के साथ अपने भाषण का अंत किया था। हम तो ऐसे देखते हैं कि नए राजनीतिक सफर की शुरुआत की तो भगवान का नाम लिया, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसको अलग अलग तरीके से देख रही है, अलग अलग एंगल देने की कोशिश कर रही है। एक बात जो सबसे बड़ी बात आज चंपाई सोरेन ने कही, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, हम रुख करते हैं कांग्रेस का। आप कहते हैं कि किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता ऋषिकेश जी, और कांग्रेस के तमाम नेता हों, जेएमएम के तमाम नेता ये कह रहे हैं, संगठन भी मजबूत तब होता है जब उसके पास मजबूत शख्सियत हो, ये बात आप मानते हैं या नहीं? देखिए, किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता है मैंने ऐसा नहीं कहा जी, लेकिन जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप लगा के आप जाइएगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि झारखंड की सरकार जनता के लिए काम कर रही है। जनता का आरोप बार बार देखिए, एक चीज में आपत्ति जताता हूँ, नहीं मैं आपत्ति जताता हूँ, आज सुबह बोला आप एक बार भी नहीं टोके, बीजेपी बोला एक बार भी नहीं, भी टोके और कांग्रेस में भी आपने टोका, इस तरह से मत करिए आयुष, समय दिए तो पूरी बात सुनिए। आप लगातार टोक रहे हैं, हर 10 सेकंड में टोक रहे हैं, ऐसे कैसे जवाब? चलिए जवाब रखिए आप। मैं बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि भ्रष्टाचार में डूबी है सरकार, 7 साल में 70 पेपर लीक कर गया, 7 साल में 70 ब्रिज, ओवर ब्रिज, रोड, मंदिर,
संसद भवन टपकने लगा, रेल दुर्घटना हो रही है, आतंकवादी घटना हो रही है, उस पर ये चुप रहेंगे। और आजसू प्रवक्ता क्या बोल रहे थे कि बेरोजगारी का आंकड़ा जुटा रहे थे, अच्छी बात है, हेमंत सोरेन जी को देंगे वो भी अच्छी बात है, मोदी जी को क्यों नहीं देंगे जहां केंद्र सरकार में 30 लाख सरकारी पद खाली है, क्या एक जगह देने के लिए आंकड़ा एकत्रित कर रहे हैं? ये दिखाता है कि इनकी मंशा सरकार को बदनाम करने की है, आंदोलन की नहीं। अब मैं बताता हूं कि सरकार आपकी द्वार के तहत आयुष 2021 में 6800 से ज्यादा कैंप लगे, लगभग 35 लाख आवेदन आया और उसको निष्पादित किया गया। 2022 में लगभग 5096 आवेदन आए, कैंप लगे और 55 लाख से ज्यादा आवेदन को निष्पादित किया गया। 2023 में 5496 कैंप लगा और 58 लाख लगभग निष्पादित किया गया आवेदन को। तो यह दिखाता है कि सरकार जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, सरकार जनता के लिए काम कर रही है और जनता के दरवाजे पर काम कर रही है और योजना बना के काम कर रही है। और ये योजना जो चल रही है आयुष झारखंड में लोक कल्याणकारी योजना, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, उनका पूरा कुनबा घबरा गया, उनका जमीन खिसक चुका। वो जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं, इसलिए अब दूसरे दल के नेताओं को आयातित किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि चंपई सोरेन जी के जो ज्वाइनिंग था, लोबिन हेमरम जी का जो ज्वाइनिंग था, सिर्फ दल बदलू नेता माला बना के उनको ज्वाइन करा रहे थे। हेमंता विश्व शर्मा हो, बाबूलाल मरांडी हो, सीता सोरेन जी हो, ये सब कहां से आ गए? इनके भारतीय जनता पार्टी के असली कार्यकर्ता तो आज भी दरी बिछा रहे हैं और सारे आयातित नेता भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पद पर काबिज हो गए। भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता निराश हैं और आंकड़ा दे रहे थे वोट का, लेटेस्ट वोट हुआ 2024 में लोकसभा का, 50 लाख वोट मिला था 2019 में आयुष महागठबंधन को, इस बार 66.5 लाख वोट मिला, 16.5 लाख वोट महागठबंधन का बढ़ा। 19 में भारतीय जनता पार्टी को 82.5 लाख वोट आया था और 2024 में 80 लाख वोट हो गया, 2.5 लाख वोट घटा, वोटर बढ़े, वोटो परसेंटेज बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी का वोट घटा। यह दिखाता है कि झारखंड की जनता महागठबंधन के साथ है, महागठबंधन की सरकार से खुश है और जिस तरह की योजना ला रहे हैं आयुष, ये घबराए हुए हैं। आप देखिए कि हेमंता विश्व शर्मा जब बार बार आ रहे हैं तो अभी हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि झारखंड में हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंता विश्व शर्मा भी हार गए, अब इनको दूसरे पार्टी के नेताओं पर निर्भर होना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विचलित हैं आयुष, आपके सहयोगी दल हम भारतीय जनता पार्टी के नेता विचलित हैं, बाबूलाल मरांडी सबसे ज्यादा विचलित हैं, वो क्या बोले थे कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, नहीं जाएंगे, आरोप लगाया। सिर्फ 20 सेकंड ले रहा हूँ, इन्होंने कुछ बातें कही, दल बदलों की बात कही, तो जरा एक बार अपने पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, सुखदेव भगत को देख ले, इनके पार्टी के अध्यक्ष थे, डॉक्टर अजय को देख ले, वो भी इनके पार्टी के अध्यक्ष वापस आए कांग्रेस में, यही सम्मान ना टोके ऋषिकेश जी, यही सम्मान खत्म हो रहा है ऋषिकेश जी, मैंने नहीं टोका, ना टोके, मैं तो नाम गिना रहा हूँ, सुखदेव भगत, डॉक्टर अजय, और इन्होंने कहकर अब प्रदीप बालमुचू, ये सारे इनके बड़े नेता थे, अध्यक्ष रह चुके थे पार्टी के, छोड़ के गए वापस आए। तो अब दल बदलों की बात नहीं करते हैं, और जो चलिए दल बदल आप राजनीति में होते रहता है, कोई राजनेता कभी इस पार्टी में कभी उस नेता के बारे में बता दीजिए। चलिए हम रुक कर लेते हैं प्रवास खान जी का। प्रवास जी देखिए, रोजगार को लेकर जो योग चलाया जा रहा है आंदोलन, और खास करके जो आजसू के नेता ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट बनाई जा रही है, आप लोग कह रहे हैं कि सीएम को सौंपेंगे, सवाल उठाया गया ऋषिकेश जी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, कि ये रिपोर्ट क्या पीएम को भी जाएगा? देखिए आयुष एक बात देखिए, आप कहां से तैयारी करते हैं? बेरोजगारी के लिए जहां तक युवाओं की बात करना, मेरा अभी कहां से, ये सरकार जो राज्य में जो छल करके आई थी, भ्रम फैला के आई थी, जो टारगेट सेट करके आई थी, हम तो सवाल पूछेंगे ना। आप चुनाव से महज 2 माह पूर्व है, आप सत्ता के लिए भत्ता योजना ला सकते हैं, हम सवाल नहीं पूछे, हम डेटा एकत्रित नहीं करे, जब नौकरी के लिए सदन में पूछा जाता है, जब सड़क से सवाल पूछा जाता है, तो आपके पास जवाब नहीं होता है, आपके पास जवाब होता है कि हमारे पास डेटा नहीं है। आज हम डेटा कलेक्ट करके अगर राज्य सरकार को अगर देना चाह रहे हैं, तो इसमें भी अगर सरकार, इसमें भी अगर कोई पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, सवाल है, उठाते हैं, आप मोदी जी को क्यों नहीं आंकड़ा देखने के लिए बात कर रहे हैं? उस चीज केंद्र सरकार में किस तरह से पाबंदी है, जवाब सुन लेते हैं प्लीज। पहले जिस चीज को आप लेके चले, प्रिपरेशन है हर एक चीज को लेकर, पहले हम आज जवाब मिला आयुष, आज 10 युवा की मौत हो गई, क्या जवाब मिला आयुष? 30 लाख सरकारी पद में कहां से प्रकट सुन लेते हैं आप, पूरी बात कहां से प्रकट करें?
आप पूरा क्या डेटा लेके आप बैठे हैं आप वहां पे, आप जो रिसेंट हो रहा है जो सामने अगर जो दुर्घटना घट रही है हम पहले यहां ना स्टार्ट करेंगे ये सब देखिए इधर उधर ऋषिकेश जो बात कर रहे हैं हम ऋषिकेश का दायरा हम समझ सकते हैं। आप देखिए ऋषिकेश पार्टी में आज ये दूसरे पार्टी के नेतृत्व को अगर ये तस्लीम किए हुए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इनकी ही पार्टी के नेता जो भ्रष्टाचार के आरोप में इनके नेता जो अभी जेल में है कभी उनके चर्चा सुने उसी के जगह पे दूसरे नेता आ गए रिप्लेस कर दिए इसलिए चर्चा चलिए इस वक्त की पाबंदी है भ्रष्टाचार के जितना आरोप लगा सब भाजपा में चले गए लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा इसी के लिए राजनेताओं की पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। लेकिन आज चंपाई सोरेन ने कह दिया है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ था, आज हम कई अहम पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे, खास करके जेएमएम के साथ जो हो रहा है और आने वाले दिनों में जो चंपाई सोरेन ने कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अब पूरे झारखंड की नजर चंपाई सोरेन के उस बयान के बाद से जेएमएम पर टिकी हुई है। क्या कोई और नेता दल बदलने वाले हैं, क्या कोई और वरिष्ठ पिलर या जो मजबूत पिलर जेएमएम का था वो साथ छोड़ने वाला, सवाल कई है, जवाब आने वाले दिन में मिलते रहेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ था, हम उनका धन्यवाद कर लें। हमारे साथ बटर सिंह देओल जी जेएमएम से जुड़े हुए थे, बटर जी का बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ऋषिकेश सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ऋषिकेश जी आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और प्रवास खान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे हाथसू से, प्रवास जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए थे, प्रतुल जी आपका बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को वक्त देने के लिए। और आप तमाम अतिथियों का बहुत धन्यवाद इस अहम पहलू पर चर्चा करने के लिए और अपनी अपनी बातें रखने के लिए। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, अब देखना यह है कौन सा कुनबा मजबूत होगा, कौन टूटेगा, कौन से नेता किधर जाएंगे, लेकिन साफ है विधानसभा चुनाव इस बार बेहद रोचक होने वाला है। फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे न्यूज 11 भारत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।